हेलो एवरीवन, माय सेल्फ अंकित श्रीवास्तव। और आज जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं वो है आपका आईसीएसआई द्वारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट जिसका नाम है सीएसईईटी। इसका फुल फॉर्म क्या है? कंपनी सेक्रेटरी एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट, जैसा कि आप लोग अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो इसका जो सब्जेक्ट वाइज जो मार्क्स आएगा वो आपका यह है कि एग्जाम में इसके चार सब्जेक्ट होंगे। पहला है आपका बिजनेस कम्युनिकेशन, जो कि 35 क्वेश्चन आएंगे 50 मार्क्स के लिए। सेकंड है आपका लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग, 35 क्वेश्चन 50 मार्क्स के लिए। थर्ड है आपका इकोनॉमिक एंड बिजनेस इन्वायरमेंट, 35 क्वेश्चन 50 मार्क्स के लिए। इसके बाद आपका चौथा आता है करंट अफेयर्स। इसके दो पार्ट हैं। पार्ट ए में आपका करंट अफेयर्स है 15 मार्क्स के लिए 20 क्वेश्चंस, और इसका पार्ट बी है वो है आपका वाइवा वाइस, जो कि 15 मिनट का है 30 मार्क्स के लिए। तो अगर हम इसकी बात करें तो टोटल 120 क्वेश्चंस है 170 मार्क्स के लिए। तो यहां पर देखिए आपके यहां पर कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि 2 मार्क्स के लिए आएंगे और कुछ क्वेश्चंस हैं आपके 1 मार्क्स के लिए हैं। आप इस पर स्क्रीन पर देख सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए तो 120 एमसीक्यू आएंगे 170 मार्क्स के लिए, 120 मिनट का टाइम रहेगा। वाइवा आपका रहेगा 30 मार्क्स का, 15 मिनट का टाइम रहेगा। चलिए एक आपके लिए यहां पर जो बेनिफिट है वो ये है कि आपका निगेटिव मार्क्स नहीं रहेगा, यानी आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। लेकिन इस पर आपको ये ध्यान देना है, ध्यान ये देना है कि जो यहां पे लिखा हुआ है कि भाई पासिंग क्राइटेरिया जो आपका है वो ये है कि 40% मिनिमम लाना है आपको सारे सब्जेक्ट में। कहने का मतलब ये हुआ कि 50 अगर क्वेश्चन है तो 50 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन क्या हो गया, 40% हो गया। लेकिन इसके बाद देखा जाए तो इसका जो एग्रीगेट है वो है कितना, 50%, यानी कि 200 मार्क्स में 100 मार्क्स कम से कम आपको लाना है। एग्जाम आपका साल भर में 4 बार होगा, मई, जुलाई, नवंबर और जनवरी। चलिए तो हम अपनी बात करें तो हम आपको जो पढ़ाएंगे वो है आपका पेपर 2, जिसका नाम है लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग। लीगल एप्टीट्यूड आपको अदर फैकल्टी पढ़ाएगी, हम आपको जो पढ़ाएंगे वो पढ़ाएंगे लॉजिकल रीजनिंग, जो कि 25 मार्क्स का आएगा, पार्ट बी है। तो देखो समझो रीजनिंग होता क्या है, पहले एक बात समझो कि व्हाट इज द रीजनिंग। समझो प्रोसेस ऑफ थिंकिंग इज कॉल्ड द रीजनिंग, यानी सोचने की क्षमता को ही हम क्या बोलते हैं, रीजनिंग बोलते हैं। रीजनिंग 4 टाइप्स का होता है, इसके 4 टाइप्स होते हैं। पहला होता है वर्बल, दूसरा होता है नॉन वर्बल, तीसरा होता है एनालिटिकल और चौथा होता है आपका लॉजिकल। देखो वर्बल क्या होता है, पहले समझो कि वर्बल होता क्या है। वर्बल का मतलब होता है कि जिसका आंसर हम मौखिक रूप में दे सके, यानी वर्बली दे सके। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हो, वर्बल में चैप्टर लिखा हुआ है, यहां पर अल्फाबेट टेस्ट, अल्फा न्यूमेरिक लिखा हुआ है, एनालॉगी है, ये सारे चैप्टर है ना। तो एक मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूं, आप समझ सकते हो। जैसे जहां पर है ब्लड रिलेशन, तो ब्लड रिलेशन में क्वेश्चन आया, एक क्वेश्चन मैंने बोला कि एक औरत ने आदमी की ओर इशारा करके बोला उसके ससुर के पिता मेरे ससुर हैं, तो उस औरत का आदमी से क्या संबंध है। ये क्वेश्चन आपके लिए है, आप इसको कमेंट करके बताइएगा। आप इसको पॉज करके एक बार क्वेश्चन पढ़ना, मैं इंग्लिश में एक बार बोल देता हूं। अ वुमेन इंडिकेटिंग टू अ मैन हिज फादर इन लॉज फादर इज माई फादर इन लॉ, सो हाउ इज वुमेन रिलेटेड टू द मैन। अब देखो मेरा कहने का जो सेंस है वो ये है बच्चों कि आप ये बोल सकते हो ना कि आप इसका आंसर वर्बली दे सकते हो, यानी आप इसको सोचोगे इसका आंसर दे दोगे। जैसे यहां पर आपके बहुत सारे ऐसे लॉजिकल वेन डायग्राम है, आपको मैं 3 वर्ड दूंगा और 3 वर्ड मैंने दिया, मैंने आपको बोला मेल, फीमेल, लिटरेट, और इस पर 4 ऑप्शन रहेंगे, तो आप इसका आंसर दे सकते हो। ऐसे ही आपका सिलॉग्स हैं, तो ये सारी चीजें क्या है आपके वर्बल रीजनिंग में आते हैं, है ना। तो इसको ये तो आपका वर्बल रीजनिंग हो गया।
सेकेंड है आपका यहां पर नॉन वर्बल रीजनिंग। नॉन वर्बल का मतलब ही क्या होता है? नॉन वर्बल का मतलब होता है कि जिसका आंसर हम वर्बली नहीं दे सकते हैं, जिसके आंसर के लिए हमको डायग्राम दिखना पड़े। जैसे यहां पर देखो ना आप, मिरर इमेज है, वाटर इमेज है ना, ये सारी चीजें हैं। तो आप मुझे बताओ कि मिरर इमेज का जब आप डायग्राम देखोगे तभी तो बता पाओगे ना कि इन चारों डायग्राम में कौन सा डायग्राम सही आंसर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि नॉन वर्बल में हम जितनी भी चीजें पढ़ेंगे वो किसमें पढ़ेंगे? हम डायग्राम के तौर पर पढ़ेंगे। लेकिन हाँ, यहां पर आपको कुछ रूल्स बताएंगे, कुछ आपको ट्रिक्स बताएंगे जिससे आपके आंसर जल्दी हो जाएंगे। अब यहां देखो लॉजिकल रीजनिंग में क्या होता है, लॉजिकली कोई चीज सोचना। मैंने पहले ही बोल दिया कि इसका डेफिनेशन देखो। जैसे इसमें आते हैं कैलेंडर हुआ, कॉज एंड इफेक्ट है, क्लॉक है, कोडिंग डिकोडिंग है ना, ये सारे चैप्टर है। समझो जैसे आप क्लॉक की बात करो, क्लॉक चैप्टर है ना, क्लॉक चैप्टर में क्वेश्चंस क्या आता है कि जब मिनट और आवर्स का निडल आपस में कब ओवरलैपिंग करता है, ओवरलैपिंग पर क्वेश्चन बनते हैं, या फिर वो आपस में 180 डिग्री पर कब होते हैं उस पर क्वेश्चंस बनते हैं, 45 डिग्री पर कब होते हैं उस पर क्वेश्चंस बनते हैं। आप फॉर्मूले से भी करते हो, और मैं इसको आपको बेसिक भी बताऊंगा। मैं आपको यहां पे ये भी बताऊंगा कि इसका जो क्वेश्चन आते हैं स्लो और फास्ट वाले, वो भी मैं आपको बताऊंगा। कैलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, मंथ टू मंथ, ईयर टू ईयर है ना, या फिर बात करें सेंचुरी टू सेंचुरी, या फिर बात करें रिपीट कैलेंडर। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल दू, अभी देखो 2020 चल रहा है, 2020 क्या है? आपका लीप ईयर है। अगर मैं आपसे पूछूं कि 2020 ये कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा कि 28 इयर्स बाद ये कैलेंडर रिपीट हो जाएगा, यानी क्या 2048 में ये कैलेंडर सेम आ जाएगा, है ना। तो इसके पीछे क्या लॉजिक है ये मैं आपको बताऊंगा जब मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। चलिए, तो ये आपको मैंने अभी तो यहां पर ब्रीफ में सारी चीजें बता दी है, बाकी मैं आपको जब पढ़ाऊंगा जो मेरे अगले वीडियोस आएंगे वहां पर आपको इसको अच्छे से समझोगे। ओके, थैंक यू क्लास।